वेलकम बैक टू तो हमारे कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो आप सबको हम दोनों की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो नहीं थोड़ा लेट नहीं हुए हम आज ही अपलोड कर रहे हैं और ये मैं बता दू ये है रात का टाइम और मतलब शहरी से पहले का टाइम दो बजे का टाइम है हम किचन में चले गए थे पेपरेशन के लिए और क्योंकि जुम्मे का दिन था और अम्मी ने कहा था अम्मी का ये हमेशा होता है जो जुम्मे का दिन होता है पहला पहला जुमा जब आता है ना स्पेशली तो वो कहती हैं कि उस दिन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ और फिर जो भी आ, सब जगह पे ना डिस्ट्रीब्यूट जितना भी हो सके वो सब जगह पे करवा दो तो इसलिए हमें जरा रफ्तारी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी थी तो तैयारी भी पहले से कर हाँ थी। मतलब हमने शहरी से पहले हमने सोच लिया था कि हमें क्या क्या बनाना है अफतार में तो हमने उस हिसाब से ना चीज़ें थोड़ी सेट करना स्टार्ट कर दी थी अच्छा छोले भिगो दिए थे उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के उसे भिगो दिया था रात में ही और हाफ के जी छोले ले लिए थे और इसके अलावा यहाँ पे अब अब ये बना रही थी कस्टर्ड कस्टर्ड तो कस्टर्ट के लिए ने वन लीटर दूध ले लिया था और इसमें चीनी कितनी डाली थी चार मैंने तकरीबन तो एट टेबल स्पून चीनी ऐड करी थी ज्यादा इसलिए ऐड करी थी क्योंकि मुझे बनाना था लबे शीरी और हम लोगों ने सोचा था हम फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे लबे शीरी बना लेंगे वो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है अफतार में खाने में तो वो हम आ, मतलब ऐड कर लेंगे अपने दस्ता खान पर ना तो यहाँ पर मैं बना रही थी अच्छा लबे शीरी के लिए कोशिश किया करें कोई भी फ्रूटी की फ़्लेवर का कस्टर्ड बनाएं तो यहाँ पर मैं मैंगो कस्टर्ड मेरे पास रखा हुआ था तो मैं वो बना रही थी मुझे बनाना इतना ख़ास पसंद नहीं है आ, तो वो क्या कहते हैं मैंगो फिर अच्छा लगता है तो फिर ये मैंगो में बना रही थी कस्टर्ड असल में ना मैंगो के साथ ना सारे फ्लेवर्स बड़े अच्छे हम ऐड करते हैं एक्चुअली उसमें फ्रूट्स ऐड करें और उसके अलावा हम जेली वगैरह ऐड करेंगे ना तो फिर उसमें ना सारे फ्लेवर्स निखर के आते हैं हाँ। तो डेट्स वाई अपिया ने वनीला भी रखा हुआ था लेकिन अपिया ने बोला मैंगो वाला बनाते हैं तो और मज़े का बनेगा तो खैर अपिया ये ने ये निकाला था कितना लिया था ये मैंने लिया था फोर टेबल स्पून के बराबर अच्छा यहाँ पर हमें कस्टर्ड ना थोड़ा सा थिक बनाना है क्योंकि जब फ्रूट्स वगैरह इसमें जाते हैं और बाकी के जो जो भी लवाजमात इसके अंदर जाएंगे तो उसमें ना वो थोड़ा सा पतला होने लग जाता है इसमें क्रीम वगैरह भी ऐड करूँगी वो आगे दिखाते हैं मैं किस तरह से ऐड करूँगी बस यहाँ पर हमने क्या किया था कस्टर्ड को पकाया था इतना थिक रखा था और उसके बाद हमने रख दिया था कवर करके यहाँ पर मेरे हाथ तो <laughs> हाँ, में पतीली लग गई थी गर्म गर्म तो मैंने और अच्छा इतनी लगता देर है। में हो गया था सैरी का टाइम तकरीबन तीन बज रहे थे इस टाइम पे और हम आ गए थे किचन में दोबारा से वापस और हमने बोला चलो ऑमलेट बना लेते हैं और प्याज कट कर ली थी उसमें हरी मिर्ची डाली है बस पाउडर डाला डाला है नमक डाला है नमक सिंपल सा ऑमलेट लाल मिर्ची डाली है थोड़ी सी हाँ, नॉर्मल सा ऑमलेट बन रहा था और रात में मम्मी को मैंने मना किया था कुछ बनाइएगा नहीं क्योंकि दाल वगैरह रखी थी अब उन्हें वही खा ली थी रात में जो खाना वगैरह खाना होता है और सैरी के लिए मैंने कहा कुछ नहीं बनाइएगा शामी कबाब भी रखे हुए हैं अंडे वगैरह हम बना लेंगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है फिर अम्मी ने कुछ नहीं बनाया था तो इधर हम ऑमलेट बना रहे थे तो भाई आ गए थे तो भाई से पूछा भाई ऑमलेट खाओगे उन्होंने कहा नहीं मैं अंडा फ्राई भी खाऊंगा तो उनके लिए अंडे फ्राई भी करने पड़े हमको और यहाँ पर हमने चाय रख दी थी अपनी पकने के लिए आज हम लोगों ने जल्दी सैरी कर ली थी क्योंकि हमें भूख लग रही थी हाँ, हाँ। काफ़ी ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत देर से भूख लग रही थी और जब हम ना छोले वग़ैरह मतलब किचन में काम करने आए थे ना कस्टर्ड वग़ैरह पका रहे थे तो उस वक्त से भूख लग रही थी तो खैर हमने थोड़ी देर बर्दाश्त की भूख हमने बोला नहीं नहीं थोड़ा सा लेट करेंगे ये भी ना हो कि हम दो बजे सहरी कर लें फिर दिन हालत बुरी हो जाए हाँ, भी दिन कर हाँ। ना तो फिर घंटे पे <laughs> की फास्टिंग होती हाँ। हाँ। हमारी और हम लोगों को काम भी बहुत सारे करने सेकेंड डे हमारा बड़ा टफ है काफी ज्यादा काम करने हैं तो बस हमने क्या कहते हैं सैरी में यही बना लिया था अच्छा अम्मी को ना अंडा ब्रेड से खाना पसंद है और मुझे रोटी से खाना पसंद है उसके साथ थोड़ी कड़क चाय हो ऑमलेट खास करना तो क्या कहते हैं आप लोगों को किस चीज़ से पसंद है वैसे तो पराठे से भी अच्छा लगता है अंडा मजे का लगता है लेकिन कभी कभार सम टाइम वैसे तो रोटी से अच्छा लगता ओ, है वो अक्सर मैं दिखा रही होती हूँ ना मैं जैसे सैंडविच करके खाती हूँ और जैसे उस पर बटर लगाती हूँ देन अंडा रखती हूँ मतलब ऑमलेट रखती हूँ देन उसको सैंडविच करके फिर खाती हूँ अम्मी उसी तरीके से अभी तक खाती है और अम्मी को इसी तरह खाना पसंद है हमें रोटी से नहीं पसंद तो ब्रेड मंगवा ली थी पहले से कि भाई मुझे ब्रेड मंगवा दो और क्या कहते हैं मैं तो इसी से खाऊंगी खाऊँगी हाल गया था बेकरी अपने लिए पापे वगैरह लेने उनके पापे ल मस्ट होते हैं भाई अच्छा खैर हम लोग ना यहाँ पर सैरी वगैरह हमने कर ली थी और जुम्मे का दिन था ज़ाहिर तो सी बात है सैरी करके हम सो गए थे और जब हम उठे तो नमाज़ वग़ैरह पढ़ी हम लोगों ने नमाज़ से फ़ारि हुए उसके बाद हम किचन में आए और हम लोगों ने पहले से चीज़ें प्लान करके रखी हुई होती हैं कि हमने किस किस तरह से काम करना है तो हमारा काम करना ना थोड़ा सा आसान हो जाता है और फिर हम तीनों ना एक दूसरे के अंदर अपने काम बांट लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने अम्मी से बोल दिया था कि अम्मी हम देर से उठेंगे क्योंकि हम देर से ही सो के उठते हैं और अम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो अम्मी से हमने कह दिया था आप छोलों को बॉयल कर लीजिएगा आलू बॉयल कर लीजिएगा और यहाँ पर जब मैं नमाज़ वग़ैरह मैंने पढ़ ली तो मैं आई किचन में तो यहाँ पर छोले वगैरह रेडी रखे हुए थे इधर दही बड़े जो थे बड़े जो मैंने बना के रखे थे मैंने उनको पानी में डाल दिया था आधे घंटे के लिए ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इधर आलू भी हमारे बॉयल हुए हैं तो ये कि हमारा काम थोड़ा बहुत

मतलब अपने जायके के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं अप यह जिस तरह मतलब बनाती हैं अपिया ने अपने हिसाब से ऐड कर दिया था चीनी और नमक और फिर बस इसमें ऐड हो गई थी और ताकि अच्छा सबसे पहले इसको यूं बनाया था क्योंकि इसके अंदर तक ना जब दही चला जाता है तो बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़े तो इसको सबसे पहले अपिया ने सेट करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से इनको रच रच रचने में जरा टाइम लगता है इस वजह से अच्छा यहाँ पर हमने क्या कहते हैं ये कलरफुल जो पास्ता होता है या कह रहे हैं रंग बिरंगी सवैया इसमें ये भी लिखा हुआ था रंग बिरंगी सेवैया तो, तो इसको बॉयल, इसको कर हमने था। बॉयल कर लिया था क्योंकि हमें लबे शीरी के अंदर ऐड करना था ये पास्ता अच्छा लगता है उसके अंदर ना और यहाँ पे साइड में ये भी बॉयल हो रहा था मतलब साथ साथ हमारे काम चल रहे थे और जिस तरह से हमने सोचा था हम इस टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करेंगे उसी टाइमिंग के हिसाब से हो भी गए थे अच्छा यहाँ पर इसको मैं सेट करके रख दूँगी उसके बाद जोया आ गई थी क्या कहते हैं आलू को स्लाइस करने के लिए और मैं इधर बना रही थी पकौड़ों के लिए मसाला इसके अंदर मैंने ढाई कप तकरीबन लिया था ढाई से तीन कप बेसन लिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर और मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड करूंगी इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया साबुत धनिया और, और जीरा क्योंकि उसी के साथ इसका ना टेस्ट निकल कर आता है एक निखर के आता है अच्छा यहाँ पर जो, जो है ना आलू को स्लाइस सॉरी आलू, आलू को, को स्लाइस कर रही है ना हाँ, तो क्या कहते हैं ये इसलिए कर रही करी क्योंकि इसको जूलियन कट करना था और मैंने कहा था मैं आलू के पकोड़े अलग से नहीं बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें फ्राई करनी है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्राइंग में ना मतलब आपके डेढ़ दो घंटा तो चला गया फ्राइंग में चूल्हे के सामने बस खड़े रहो फ्राई करते रहो जब तो, ज़्यादा फ्राइंग होती है जब ज्यादा फ्राइंग होती है तो ना बेसिकली अपिया को बनाने थे लच्छा पकौड़ा तो अपिया ने कहा था इसको बिल्कुल बारीक इसको जूलियन कट करके मुझे दे देना और बाकी सब्जी अपनी से कटवा ली थी उस सब्जी में ऐड थी से आलू वाले भी क्योंकि अम्मी को पसंद है, लवर्स बहुत है हमारे में। अब बोर में <laughs> तो ना अब मैंने कहा नहीं मैं एक साथ ही बनाऊंगी तो मुझे इसको कट करके दे दो तो यहाँ पर साइड पे जो है ये कट कर रही थी और मुझे इस वक्त तक मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी कि काम कैसे होगा काम कैसे होगा और बस मैंने जल्दी से ये बैटर बनाया क्योंकि ना बेसन को भी आपको आधे घंटे के लिए रखना होता है ताकि वो अच्छे से फूल जाए और आधे घंटे के लिए आप रख देते हैं ना तो वो अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं आपके पकौड़े जो होते हैं यहाँ पर जल्दी इतनी हो रही थी साइड पर स्पून रखा हुआ था तो मैंने उसको उठाया उसी की स्टिक से मैंने बैक साइड से सोडा इसमें ऐड कर दिया तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर क्योंकि मेरे पास जो ये बेसन था वो थोड़ा ज़्यादा था इस मतलब हाई कप के बराबर हाई से इस तीन कप था कुछ तकरीबन ना अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी और इसका पेस्ट बना के मैं रख दूंगी और ये मैंने पहले ही करके रख दिया था क्योंकि वही सही रहता है तरीका कि आपने पहले से करके रख दिया और यहाँ पर जो है जूलियन कट कर रही है आलू को और जो है बस बारीक बारीक इसको काट लेगी इसको कट कर लूँगी और अपिया ने ना बेसन का मिक्सचर जो बनाया था ना काफ़ी थिक पेस्ट बना के रखा था क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक बार पता था इसमें सब्जियां ऐड करने के बाद इसके पकोड़े बनाने हैं तो वो अलग अलग चीजों में भी यूज होगा अभी दिखाते हैं इसकी एक और रेसिपी बनने वाली थी तो हाँ, हाँ, एक और रेसिपी बननी थी तो मैंने ज्यादा ही ले लिया था और क्या कहते हैं यहाँ पर बस इसको मैं फेंटूंगी अच्छी तरीके से यार आजकल मक्खियां इतना तंग कर रही हैं कोई रेमेडी हो तो बताइएगा मतलब हमने स्प्रेस तक करके देख लिए जो क्या कहते हैं मक्खियों के लिए जो स्प्रे आते हैं ना मोर्टीन वगैरह का वो भी हमने करके देख लिया अब जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त तो हम स्प्रे नहीं कर सकते ना जाहिर सी बात है वो कहा सारा खाना वगैरह बन रहा है उस वक्त नहीं कर सकते लेकिन यार इन्होंने ना नाक में दम करके रखा है बहुत नाक में दम कर दिया हाँ, बाकी बताइएगा अच्छा, मुझे ना अच्छा यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी बटाटा वड़ा अगर आप लोगों को पता हो तो ये पोटैटो बॉल्स होते हैं जो कि बेसन में डिप करके और उसको फ्राई करते हैं उसे बटाटा वड़ा कहते हैं यहाँ मैंने चार अदद आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के तकरीबन हाफ के जी के बराबर होंगे इसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है नमक ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर you <laughs> और इसके अंदर जाएगा ये धनिया और ज़ीरा बुना हुआ और कुटा हुआ इसके बाद इसमें जाएगा अनारदाना अच्छा अनारदानों को धो के अच्छी तरीके से फिर रख दिया था यहाँ मैंने चाट मसाला भी ऐड करा इसके अंदर वन टी के बराबर और ये अनारदाना इसमें चला जाएगा तकरीबन टू टेबल के बराबर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा बीच में से का हाथ आ गया था और कोशिश होती है पूरी पूरी रेसिपीज़ आप लोगों को बता दें नहीं तो ये होता है बाद में ना बताना काफ़ी मुश्किल होता है लोग अलग अलग टाइमिंग्स पे देख रहे होते हैं ब्लॉग और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ महीनों बाद कमेंट

से ज्यादा नहीं खाती मैं यही बहुत मजे के बनते हैं आप ट्राई कीजिएगा सोचिए पूरा पोटैटो का ही मिक्सचर है ना तो खैर कल जोया नहीं कहा था यार हम ना वो बनाएंगे अफिया <laughs> अच्छा अच्छा लगेगा अफिया वो बनाएंगे मैंने कहा चलो ठीक है बना लेंगे तो इसलिए ये हमने बना लिए थे आज और ये बस बॉल्स बना के मैं रख दूंगी ताकि जब मैं फ्राइंग करने स्टार्ट करूंगी ना तो क्या कहते हैं ये साथ के साथ फ्राई हो जाएंगे मतलब बॉल्स बना लिए थे अब खाली इसको क्या करना होगा इसको बैटर में डिप करना होगा देन बेसन में डिप हाँ। करना होगा अच्छा इसके लिए आप लोग चाहें तो बिल्कुल सादा भी बेसन का बैटर बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है मसाले वगैरह ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी इतना स्पाइसी सा होता है ना तो क्या कहते हैं लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने वही वाला बैटर लिया और उसी के अंदर मैंने इसको ना क्या कहते हैं डिप करके और फ्राई कर लिया था अच्छा मेरी ये कोशिश थी ये जितना काम हो रहा है ना ये फ्राइंग से पहले सारा काम खत्म हो जाए ताकि के बस फ्राइंग का ही काम रह जाए और उसके बाद ये कि हम अम्मी को देते रहेंगे फ्राई करते हुए चीजें और फिर अम्मी बस ट्रेस बना के ना निहाल को देती रहेंगी निहाल सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और यहाँ पर, पर तरबूज कट कर, हाँ, कर रही तरबूज कट हो रहा था साथ में अपया कट कर रही थी बनाना क्योंकि वो लबे शीरी में ऐड करना था और हमने जैली पका के रख दी थी और अच्छा दो जैली दो जैली बना के रखी थी एक जैली ने हमें धोखा दे दिया एक हमारी मतलब फ्लेवर देख के ली थी जैली और वो किसी और कंपनी की थी नॉर्मल मैं नेशनल और उसकी लेती हूँ रफान की लेती हूँ और टाइम लेती हूँ मैं अगर डिफरेंट फ्लेवर चाहिए हैप्पी वाली ले लेती हूँ हैप्पी होम करके कुछ है अभी ये पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, कौन थी, कौन थी और कलर देख के ली थी एक्चुअली हाँ। और वो ना पता नहीं क्यों जमीनी खैर जो रफान वाली थी वो तो बिल्कुल परफेक्ट जम गई थी तो अपिया ने उसको कट कर लिया था मतलब नहीं उसको जमा लिया था और दूसरी बेचारी अभी तक रखी हुई है <laughs> रात में हम सोचेंगे करना क्या है उसका मैंने कहा उसको ऐसी खा लेना शरबत लग रहा है जैली में खैर यहाँ पे मैं चॉप कर रही थी हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक उसे फाइन चॉप करना था क्योंकि वो उसमें चनों में ऐड करनी थी और ये सामने जो रखा हुआ है उसमें मैंने टमाटर और प्याज कट करके रख दिया उसमें हरी कट करके रख दी है चने में ऐड करनी थी चने की चाट बनने वाली थी अच्छा यहाँ पे अब लबी शीरी के लिए आ गई थी इसको पहले मिक्स कर लिया था क्योंकि ठंडा हो गया था कस्टर्ड हमारा क्योंकि रात का बना हुआ था इसमें कोई बलाई, मलाई लम्स नहीं ना हो। होने चाहिए इसलिए इसको हमने पेट लिया अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है और कस्टर्ड इससे थोड़ा सा थिक भी हो ना तब भी चल जाता है लबे शीरी के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था ये ईरानी क्रीम चीज़ हैगा और ये मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी जब कहीं रखा हुआ था फ्रिज में मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ा क्रीमी क्रीमीनेस और रिचनेस बढ़ाने के लिए हम ऐड कर देते हैं थोड़े फैट्स और डाल देते हैं इसमें <laughs> तो हमने इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड किया था और ये मैंने पूरा टब ले लिया था ईरानी क्रीम चीज़ है ये ईजीली मार्केट में मिल जाता है और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ फ्रिज में रखी हुई थी आधा कप क्रीम रखी हुई थी तो वो मैंने ले जो ली थी। मिल्क पैक हाँ मिल्क पैक वाली थी अच्छा क्रीम वगैरह किसी ने पूछा था किस तरह से स्टोर करते हैं तो भाई मैं उसको जब भी ओपन करती हूँ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है तीन से चार दिन के अंदर उसको मैं इस्तेमाल कर लूँ नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी तो आगे पीछे कुछ ऐसी चीज़ें बना ले जिसमें वो इस्तेमाल हो जाए और अगर आप लोगों के रोज़ाना फ्रूट चाट बनती है क्रीम वाली तो तो आप रोजाना की बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब टेबलस्पून टेबलस्पून या हाँ। टेबल भी ऐड करेंगे ना तो आपकी से क्रीम चार, हाँ, चार से पाँच दिन खत्म हो, हो जाएगी लेकिन इसको फ्रीजर में मत रखिएगा उसके बाद ये खराब हो जाती है मतलब आपने ना जाया कर दी क्रीम फिर आप डस्टबिन में फेंक दें उसको हाँ। अगर आपने फ्रीजर में रख दिया तो बटर सेपरेट हो जाता है और फिर वो अजीब सी स्मूथ होती ही नहीं है क्रीम ना फट जाती है अच्छा खैर इस क्रीम को और क्रीम चीज को मैंने स्मूथ करा उसको फेंटने में थोड़ा टाइम लगा मुझे और उसके बाद मैंने ये इसको कस्टर्ड में मिक्स कर दिया था ऑफ कैमरा प्याला साफ करके मिक्स कर दिया था ये सब चीजें वेस्ट नहीं होती है। हमारा ये होता है नजरिया कि आप लोगों को मेन मेन रेसिपी हम दिखा दें और जो कैमरा हाँ बैक कैमरा हा, काम हो रहा होता है वो सब नहीं दिखा रहे उसे हम आपको वो हम जल्दी जल्दी अपने काम कर लेते हैं लेकिन ये सारी चीजें वेस्ट नहीं होती और साथ साथ ना हाँ ये भी बताती हूँ साथ बर्तन भी धुल रहे होते हैं हाँ जी हाथ के हाथ धुल रहे होते हैं सवाल आता है कि जब इतने सारे बर्तनों का मैस होता है कोई धोता कौन है नहीं भैया कोई मेड नहीं रखी हाँ हमने कोई मेड नहीं रखी हुई और हम हाथ के हाथ ना जो जो बर्तन होते जाते हैं ना वो धोते जाते हैं और ऐसे होता है जो जो काम कर रहा है जैसे कि ये बर्तन गंदे हुए हैं और मैं काम कर रही हूँ तो मैं जाऊँगी हाथ धोने के लिए क्योंकि हम लोग की आदत है थोड़ी सी एक आप कह लें बीमारी टाइप की है सही की है बार बार हाथ धोते हैं हम लोग मतलब कोई एक छोटा सा काम करने के बाद भी हमारी आदत है हम हाथ धोते हैं तो हाथ जब धोते हैं तो फिर हाथ के हाथ बर्तन भी धो लेते हैं हाथ के हाथ धुल रहे होते हैं बर्तन और समटाइम ऐसा होता है कि हम काम में बहुत बिजी है और अम्मी का चक्कर लग गया किचन के अंदर तो अम्मी धो के चली जाती हाँ। हैं तो साथ साथ काम हो रहा होता है हम सजा सकते अपने हाँ। अच्छा खैर वो जब कस्टर्ड पूरा मिक्स हो गया था ना अब यह ने उसके अंदर एड कर दिया था कलरफुल पास्ता जो कि बॉइल कर लिया था बनाना इसके अंदर मैंने दिया है ये अच्छा मैंने सोचा था इसके अंदर मैं सारे फ्रूट्स नहीं ऐड करूंगी फ्रेश फ्रूट ज्यादा ऐड करू ना तो होता है क्या है वो पानी छोड़ देते हैं और उसके बाद आपका जो लबे शीरी होता है ना वो क्रीमी नहीं रहता वो पतला पानी होने लग जाता है कुछ घंटे के बाद ही ना और हमारा ये है कि हम जब भी खाते हैं जब भी बनाते हैं ना तो ये कुछ घंटों के बाद ही खाया जाता है हमारी। जैसे कि हमने आज बनाया तो हमने इसको चखा तक नहीं ऐसे ही रखा हुआ है फ्रिज में मतलब जो बचा जो बचा हमारे पास वो ऐसे ही रखा हुआ हमने खाया तक नहीं तो हम कुछ घंटों बाद या फिर नेक्स्ट डे इसको शायद खाएंगे तो ऐसे कुछ सीन होता है तो इस वजह से हम लोग मैं जरा एहतियात करती हूँ बनाऊ तरह से कि उसी फॉर्म में हम खा लें उसको अच्छा खैर यहां पर मैंने फ्रूट कॉकटेल निकाल लिया था और ये सारी चीजें मैं पहले से ही लाके रखी हुई होती है मेरे पास होती है अच्छा, तकरीबन दो कप के बराबर फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया इसमें और एक कप बचाया मैंने अपने लिए तो फिर मैंने इसमें इतना ऐड कर दिया क्योंकि इतना इनफ था इसके अंदर ना इतना इनफ था और बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जेली जो हमारी जेली सेट हो गई थी वो मैंने ऐड कर दी थी जो सेट नहीं हुई उसको हमने कहा चलो छोड़ो बाद में देखेंगे क्या करेंगे अभी अगर आता उसका शरबत भी <laughs> यार वो पानी की तरह हो रही है पता नहीं क्यों नहीं जमी वो समझ में, आपको नहीं आ रहा। में देखने हाँ। को मिलेगा मैं करूंगी क्या कुछ तो कर ही लेंगे अच्छा खैर इसके अंदर फिर अपिया ने ऐड की थी ब्लैक वाली चॉकलेट चिप्स मतलब चॉकलेट चिप्स दोनों तरह की ऐड कर दी थी ब्लैक एंड वाइट दोनों हाँ। ही ऐड हाँ। कर दी थी और इसके अंदर मैंने किशमिश भी ऐड करनी थी वो शायद मैंने आखिर में ऐड करी थी इस वक्त मैं मुझे ये था कि इसको मैं बना के रेडी करके और मैं बस फ्रिज में रख दूँ तो मेरा एक ना दिमाग से ना एक बहुत भारी वाला काम साइड पर हो जाएगा कि यार ये मैंने कर लिया क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें जाती हैं ना और थोड़ा मैस होता है क्योंकि बर्तन थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं इस वक्त ना तो खैर इसको हमने मिक्स किया और ये रेडी हो गया इसको मैंने रख दिया जाके अब उसके बाद मैंने जो ऐसे से कहा था चनों के अंदर ना राजमा ना ए, जरा सा ऐड कर देना ना।, ना मतलब एक जो हमारे पास पैकेट रखा था ना, और हरी मिर्चें बारीक बारीक हाँ, हमेशा बारीक चॉप करके डालेगा वरना मुँह में वो एकदम से ज्यादा हरी मिर्च बड़ा पीस चंक आ जाएगा ना तो फिर बहुत बुरा लगता है दूसरा वाले को पता चल जाता है कुछ खाया है उसने अच्छा यहाँ पर इमली का मैंने वन फोर्थ

वो ऐड कर दिया था इसके अंदर और वो आप तो अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा टू मच स्पाइसी नहीं बनाती हूँ चना चाट लेकिन नॉर्मल मीडियम फ्लेवर होना चाहिए मेरे हिसाब से hmm. और सॉल्ट भी ऐड कर दिया था टू टेस मतलब कितन जितना आपको पसंद हो सॉल्ट वैसे हमारी चीजों में थोड़ा कमी होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा कमिंग खाते हैं अब्बू कम खाते हैं सॉल्ट तो इसलिए हम लोग जरा हाथ रोक कर ही वो करते हैं क्योंकि हम लोग तो ऊपर से डाल के खा लेंगे एक बार नमक तेज हो गया तो और कोई नहीं खा पाएगा तो फायदा निकालना मुश्किल हो जाएगा आप ऐड तो कर सकते हैं अपने आगे ना तो खैर यहाँ पर मैंने तो एक लेमन जूस भी ऐड कर दिया था इसके अंदर क्योंकि जब तक आप इसके अंदर नींबू का रस ना डालें फ्रेश वाला जब तक इसके अंदर से खुशबू नहीं निकलती चने चाट की ना तो एक टिपिकल चना चाट की खुशबू होती है ना तो वो इसमें से नहीं निकलती तो ये मैंने ऐड कर दिया था उसके बाद बस हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम रख देंगे इसको फ्रिज में फ्रिज में रख देंगे और ये हमारी तैयार हो गई थी कराची की मशहूर चना चार रेसिपी वाकई इतनी बेहतरीन वाली बन के तैयार होती है ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है खैर ये हो गई थी तैयार और जैसे जैसे जो चीज़ें तैयार होती जा रही थी हम उसको साइड पर रखे जा रहे थे कि ताकि अगले काम की तरफ बढ़ें अच्छा यहाँ पर अब अब यह इसको फ्राई करने लगी थी जो ये बटाटा बड़ा है और इसको बस क्या करना है अब ये ने बेसन ना बेसन का मिक्सचर को थोड़ा सा पतला कर लिया था मतलब हल्का सा रनी होना चाहिए बहुत थिक होगा ना तो इस पर बहुत मोटी वाली कोटिंग हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती यार वो बहुत बुरी लगती है सही से फ्राई भी नहीं होती है तो मैं जो पतली कोटिंग पसंद है इसलिए मैंने हल्का सा उसको पतला कर लिया था बेसन को और मैंने गहरे प्याले में निकाल लिया था ताकि जो बॉल है ना ये पूरा अच्छे से डिप हो सके और कोशिश कीजिएगा इसको स्पून से ही डालें क्योंकि अगर हम फिंगर से पकड़ के डालते हैं ना तो आलू सॉफ्ट होते हैं

तो बस आहिस्ते इस आहिस्ते इसको टर्न करेंगे और इसको बस फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आ जाता इसके ऊपर इसको आपने फ्राई कर लेना है और, और इसको थोड़ी हल्के हाथ से हाँ। इसको टर्न कीजिएगा वरना ना थोड़ा जोर से अगर इस पर टच होगा ना और ये इसकी कोटिंग निकल कर आ जाती हाँ, है थोड़ा सा नाजुक से होते हैं बेचारे आलू के होते हैं ना इस वजह से गोल गोल ऐसे मोटे मोटे लेकिन बड़े नाजुक से बहुत नाजुक से होते हैं खैर इसको फ्राई कर लिया था अब इसके बाद अपिया करने लगी थी अम की तैयारी अच्छा मैंने ये सोचा था क्योंकि पकोड़े जो है ना वो बहुत जल्दी हम पहले ही फ्राई कर रहे थे तो ना इस वक्त तकरीबन तक बजे का टाइम था जो मैंने पाँच 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 का टाइम था और मैंने फ्राइंग स्टार्ट करी थी तो मतलब असर की कीज़ाने हो रही थी तो मैंने इनसे कहा था मैं इधर पकड़े बना रही हूँ तो मैंने आधा बैटर निकाल लिया था एक प्याले के अंदर साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा और आधी सब्जी मैंने ऐड करी थी इसके अंदर और उसके बाद मैंने कहा यार ये मैं पकड़े बना लूँ उसके बाद क्या है इतने आप दोनों जाके नमाज़ पढ़ लो और ये मैं पकड़े फ्राई कर लूँगी तो फिर उसके बाद जोए को मैंने कहा तुम आकर क्या करना के के कहते हैं रोल, रोल समोसे और जो भी चीज़ें फ्राई करनी है ना हमने निकालनी थी वो सारी तुम फ्राई कर लेना इतने मैं मास पढ़ के आ जाऊँगी उसके बाद बाकी का जो बैज है ना वो हम तब फ्राई कर लेंगे तो हमने इसी तरह से कुछ सेटिंग अपनी बिठा ली थी और उसके बाद बस ये देखें इसको ना हल्का सा मिक्स करना यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा तो मैंने इसमें से ऐड कर दिया और ये थे है थीक ही रखिएगा क्योंकि सब्जी जो है ना बहुत ज्यादा पानी छोड़ देती है मतलब और, फ्राई करते करते हाँ, जब तक आप एक बैच फ्राई करते हैं ना जब तक दूसरी जो उसमें सब्जी होती वो है नरम होने वो लग जाती, है। हो जाती है और फिर अगर ऐसा लगे आपको कि बहुत ज्यादा रनी हो रही है ना सब्जी आपकी उसमें बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं मतलब ड्राई हाँ ड्राई बेसन उस हिसाब से आप उसके अंदर ना थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड कर दीजिएगा आज मैंने किया नहीं तो थोड़ा सा नमक अम्मी कह रही थी कमलास्ट वो लास्ट के पकोड़ों में मैंने ऐड किया था बहुत थोड़ा सा बेसन यहाँ पर बस खजूर वगैरह भी हमारी धुल गई है और यहाँ पर जो है इसको रख देगी हाँ, हम इसी तरह ना निकाल के रख देते हैं और वॉश करके रखते हैं हमेशा क्योंकि हमें पता नहीं होता भले हम पैक वाली लें लेकिन फिर भी उसको एक थोड़ा सा वहम अब नहीं नहीं वहम की बात नहीं है वॉश करे उसमें से हल्की सी मिट्टी निकलती जरूर है हाँ लाजमी तो वॉश करके ही रखा करें ताकि वो उसमें ये एक जहन में भी ना आए कि इसमें कुछ होगा या कुछ नहीं होगा खैर इसको मैंने वॉश करके रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने निकालिए थी मैं नमाज पढ़ के आ चुकी थी इस टाइम तक अब यह चली गई थी नमाज पढ़ने के लिए असर की और मैं इस टाइम रोल समोसे जो हमने बना के रखे थे ना यार ये वाली चीजें ना ऐसे डे पे बहुत अच्छी काम आ जाती हैं जैसे आप ये ना दही बड़े आज बनाए तो ना स्पेशली बनाने नहीं पड़े फ्राइंग नहीं करनी पड़ी उनकी मतलब बने हाँ, हुए रखे हुए थे तो ये बड़ी आसानी हो गई थी कि ना हमने जो फ्रोज़न किया था ना तो वो इन डेज़ में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है कि वो ना, सारा हम ख़ुद नहीं खाते बाकी <laughs> <हा>, <laughs> वो ना अच्छा हाँ काफ़ी सवाल भी आए थे ना जब हमने ये मेक इन फ्रीज़ वाली ये बनाई थी ना वीडियोस और प्रिपरेशन की वीडियोस बनाई थी तो आए थे इतना सारा आप लोग कैसे खाएंगे भाई हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना तब भी यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए पहले से बना के रख रहे हैं क्योंकि हम इतना सारा है जब रोज़े में एक साथ हम बनाने लगेंगे तो वो तो फिर आप जोहर तो मुझे हाँ, फिर आपके ना दो दिन चले जाएंगे इन सारी हाँ, चीजों में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन सब चीजों में अच्छा खैर यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर मैंने किशमिश को धो के अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया था किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ब्लैक करंट भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन यार वो मेरे पास रखी हुई है लेकिन उसको धोने में बहुत टाइम लगता है वो मतलब छोटी वाली जो किशमिश होती है ना उसमें बहुत मिट्टी होती है लेकिन वो भी आप ऐड कर सकते हैं तो काफी सही रहता तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारी छना छाट वगैरह रेडी हो गई अच्छा हमने दस्ता ना पाँच बजे ही लगा दिया था ताकि ये जितनी चीज़ें हमारी फ्राई होती जा रही थी ना रेडी होती जा रही थी तो हम जाके कर दस्ताखान पर रख रहे रख रहे थे और ये होता ये है कि जब सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी ना तो फिर अम्मी इसको ट्रे में सेट करके निहाल को देती रहेंगी और निहाल जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऐसे ही होता है अम्मी पूरी ट्रे बनाती रहती हैं फिर उसके बाद लास्ट चीज़ थी मैंने नगेट्स फ्राई करने थे तो नगेट्स डाल दिए थे कढ़ाई में उसे फ्राई करने के लिए और फिर अपनी

जब ना हो नहीं रहा होता ना मैं बोल अरे कलर आ जाए क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा यार ये होता है कि ना आप टाइम से पहले आप भी दस्ताखान पे मौजूद हो और सारा सामान पहले से चला भी जाए लेकिन जाने में भी जाहिर सी बात है टाइम तो लगता है तो यहाँ पर बस मैं अम्मी की हेल्प करा रही थी और निहाल बस जा जा के देकर आ रहा था इधर एक प्लेट सेट कर लेते हैं हम लोग और ट्रे में बाकी सारी चीजें रख के इस तरह से दे देते हैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब जगह वक्त पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और सुकून से हम बैठ चुके थे और उसके बाद फिर इफ्तार मतलब अजान हो गई थी और हमने अपना रोजा खोला अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो गया आज का काम बहुत सारे काम थे लेकिन बहुत बहुत अच्छे टाइम पे हो गया अल्लाह हाँ, का शुक्र बस है। हम बहुत थक गए <laughs> <laughs> और आज आप लोगों को हमारी एनर्जी कैसी लगी क्योंकि आज हम वाकई में बहुत थके हुए हैं और मैं तो नींद में थी सोया ना मुझे चाय पिलाई खड़क अभी बना के और जरा ना अपनी आवाज सही कर लो बहुत सारा बोलना है अभी मैंने कहा सोया <laughs> तो मेरी तो आंखें बंद हुई हुई थी तो है मुझे जगाया आ, और मैं बोला छेड़ ज़... छेड़ के इसने मुझे जगाया और मेरी नींद बगाई उसके बाद इसने कहा चलो आप रोई ओवर करते <laughs> सी बात है अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप लोग तक व्लॉग कैसे जाएगा और रिकॉर्ड नहीं के के करेंगे हाँ। यार व्लॉग बना हुआ है सिर्फ वॉइस ओवर ही तो करना है जल्दी से करवा दो ना तो फिर बस हम वॉइस ओवर करते हैं और इसको अपलोड करते हैं हाँ, पहुंच जाएगा कुछ देर में इंशाल्लाह हाँ, और आप लोगों ने है आज का व्लॉग कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़